हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, मधु चौधरी ब्लॉग। सो अभी शाम का टाइम हो रहा, तो हम सोचे कि कुछ अपने बच्चों को नाश्ता करा दें, क्योंकि शाम को होता है ना कि कुछ नाश्ता बना दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो हम इसमें ले लिए हैं कुछ चना चूर मिक्सचर, जिसको बोलेंगे मूढ़ी, ले लिए थोड़ा सा, और एक मतलब कि प्याज, टमाटर, मिर्च, हरी मिर्च बारीक काट लिए, उसको मतलब मुरही और मिक्सचर में डाल देंगे। उसके बाद उसमें नमक स्वाद अनुसार, नमक कम ही डालना, ज़्यादा डाल दें फिर ज़्यादा मतलब नमक बहुत ज़्यादा लगे, और मिर्च आप अपने बच्चों के अनुसार डाल सकते हैं। नमक डाल दें, तेल डाल दें, तेल डाल दें, उसके बाद इसको मिक्स कर दें बहुत अच्छी तरह। सिंपल में ही बिल्कुल बन जाएगा, बहुत चटपटा नाश्ता। उसके बाद हम ले करके बैठ गए अपना खाने के लिए कि कैसा लग रहा है, वही हम खा रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग को भी खिला रहे हैं कि खा लीजिए, पर आप लोग को तो दूर है तो हम यहीं से खिला दे रहे हैं। वही हम खा रहे, बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी बना है। तो उसके बाद हम खा रहे हैं और खाते खाते अपना इंजॉय भी हो रहा है। मेरी बेटी लोग उधर खा रही, तो उन लोग का वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वो लोग अभी बोले कि मामा वीडियो में नहीं आएंगे आज, हम गुस्सा है आपसे क्योंकि आपका कोई हेल्प नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को। अब धीरे क्या हो गया, रात हो गया तो हम आपको दिखा रहे कि रात होते जा रहा है और हम मेरा बर्तन इतना सारा इकट्ठा हो जाता है एक साथ ही, क्योंकि अब हम क्या हो रहा है कि अब यूट्यूब पे आए, वीडियो बनाना शुरू किए, तो वीडियो भी बनाना, इसको एडिट करना, दिन में हर चीज़ करना, फिर उसको अपलोड करना, पूरा टाइम पार, सोने का भी फुर्सत नहीं, पूरा बर्तन इकट्ठा हो जाता है एक बार ही पूरा। वही हम आप लोग से दिखा रहे थे कि इतना तक तो कर लिए, अब आधा बाकी है, वही हम धोना, फिर धो रहे हैं, फिर से धो रहे हैं, जितना बाकी है उतना को धो रहे हैं, आपको दिखा रहे कि देखिए कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के बाद, घर का काम भी करना, बच्चे को संभालना, सब कुछ, मतलब कि सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, बट हाँ, लेकिन देखने वालों को लगेगा कि सब आसानी से हो जाता है। भूल गए मेरा यही आदत है, हम मतलब वीडियो बनाने के लिए ना पहले से ही सोचते रहते, दिन भर सोचते रहते क्या बोलना है, क्या लिख, क्या मतलब बनना, बाद में हम भूल जाएंगे तो आज हम दिखाएं, वीडियो भी बनाना ही है, मैनेज करना है, घर का खाना पीना सब कुछ। तो और एक बात बोलेंगे कि मेरे लिए कैमरा के सामने इतना आसान नहीं था ना, अब हम आप लोग से एक चीज बता दें, मेरे लिए कैमरा के सामने आना इतना आसान नहीं था, जितना हम भी सोचते थे कि हम वीडियो बना लेंगे लेकिन इतना आसान नहीं था, बट हम अब भी करते करते कोशिश करते करते ही कैमरा के सामने मतलब फेस किए कैमरा को। पहले मेरे को भी मतलब सोचते थे कि वीडियो कैसे बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आता था, फिर हम ट्राई किए अकेले में ही, मतलब बहुत पहले मतलब हम अकेले में वीडियो बना के देखते थे कि हम बोल पाते हैं कि नहीं, अब तो हम फिर भी बहुत रेगुलर अभी बना रहे थे, उनको कुछ सीख गया बोल, पहले बिल्कुल भी मेरे को नहीं आता था वीडियो में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ समझ नहीं आता था, बट अब धीरे धीरे जब इंसान करने लगता है तो सब कुछ आ जाता है। और फिर हम इतना मतलब पहले हम बहुत अपने आप को बहुत ये महसूस करते थे कि कहीं हम पागल की तरह तो नहीं कुछ फ्रेंड, फिर से मतलब कुछ मतलब बोल दिए। उसके बाद देखिए हम दिखा रहे कि सारा बर्तन धुला गया मेरा, मतलब धुलाया था पहले, लेकिन हम कुछ बीच में मतलब कुछ गैप ले लिए, तो कुछ बोलना था मेरे को, तो देखिए यहाँ पे फिर हम सारा बर्तन धो लें, फिर किचन का अपना काउंटर टॉप को साफ़ कर लेंगे, मतलब स्लेब को साफ कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि रात के टाइम में ना हम साफ़ सुथरा करके ही सोते, तो हम वही साफ़ सुथरा कर रहे, तो हम सोचे कि आज चलो ब्लॉग बना रहे, तो आज इवनिंग टू नाइट रूटीन का ही ब्लॉग बनाते, क्योंकि अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ सुबह मॉर्निंग का, तो हम रोज़ ही वीडियो डालते हैं। वही हम आप लोग से दिखा रहे कि मेरा किचन देखिए कितना क्लीन हो गया है, मतलब कि सुबह से पूरा मैसी रहता है, क्योंकि हम वीडियो बनाना, इधर करना, उधर पूरा एडिट उडिट, पूरा टाइम पार, तो हम शाम को ही सब वही देख रहे कि मेरा गैस कितना सुंदर से साफ हो गया, और मेरा इधर जहाँ पे अपना बर्तन धोते हैं सिंक भी मेरा साफ़ हो गया, सिंक देखिए आप मेरा कितना क्लीन रहता है,
थोड़ा सा ये जो मतलब होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।